लघु उद्योग व्यापार मंडल द्वारा मनाया वार्षिक अधिवेशन मुरादाबाद में मंगलवार को गुलजारी मल धर्मशाला में लघु उद्योग व्यापार मंडल की ओर से 19वां वार्षिक अधिवेशन मनाया गया। इसमें उद्यमी व्यापारी चेतना व प्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में व्यापारी आगंतुकों का माला पहनाकर व मुख्य अतिथियों का भी बैज लगाकर स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष अरुण गोयल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बरेली से आए कलाकारों द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर व्यापारी वक्ताओं ने समाज की एकता बनाए रखने पर जोर दिया और संगठन से व्यापारियों को जोड़ने के लिए अभियान चलाने का सर्वसहमति से निर्णय लिया। क्या नाम है आपका? अरुण गोयल। अभियान है, क्या अभियान है? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लघु उद्योग व्यापार मंडल पंजीकृत उत्तर प्रदेश का 19वां वार्षिक अधिवेशन गुलजारी मल की धर्मशाला में व्यापारियों के साथ में मना रहे हैं और व्यापारियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा संगठित होकर अपने को मजबूत करें और जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है वो चलती नाव में बैठकर अपने गणतंत्र को तक पहुँचें। आज लघु उद्योग व्यापार मंडल का 19वां वार्षिक अधिवेशन है जिसका श्रेय हमारे गोयल जी को जाता है। कहने को तो लोग जरा देर में कोई भी ग्रुप बना लेते हैं, संस्थाएं बना लेते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर चलाना ये बहुत बड़ी बात है। इसका श्रेय हमारे अरुण गोयल जी के लिए जाता है। धन्यवाद। क्या उद्देश्य है इसका? व्यापारियों के हित के लिए ये काम किया जा रहा है और लगातार पिछले 19 वर्षों से हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण गोयल जी उसको सराहनीय तरीके से कर रहे हैं। मेरा नाम प्रतीक गोयल, एडवोकेट है। किस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है? आज लघु उद्योग व्यापार मंडल का 19वां वार्षिक अधिवेशन है। विगत वर्षों से बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, इस बार भी ये हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य व्यापार मंडल का यही है कि सभी व्यापारी एकजुट होकर कार्य करें। जो भी उनकी व्यापार में आने वाली समस्याएं हैं वो एकजुट एक मंच से खड़े होकर अपने जितने भी प्रतिनिधि हैं जनप्रतिनिधि उनके सामने रख के उसका निवारण हो, चाहे वो सेल टैक्स से संबंधित हो, चाहे वो मत्स्य विभाग से संबंधित हो, किसी भी विभाग से हो, सब एकजुट होकर उनकी समस्याओं का निवारण हो सके। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान जिनमें मिलती है गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी करा, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।